नेवी के पायलटों ने पहली बार मेड इन इंडिया आईएनएस विक्रांत पर लड़ाकू विमानों की सफल लैंडिंग की। आईएनएस विक्रांत पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस और मिग 29 के को उतारकर नेवी ने इतिहास रच दिया। दोनों लड़ाकू विमानों ने सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की, जो देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। आईएनएस विक्रांत और एलसीए के डिजाइन से लेकर इसको विकसित, निर्माण और संचालित करने का काम हिंदुस्तान में ही किया गया है, जो भारत की टेक्नोलॉजी और युद्ध क्षमता की ताकत को दिखाता है। नमस्ते, मैं हूं मानसी और आप हैं मंच पर। आईएनएस विक्रांत पर एलसीए की सफल लैंडिंग इस लिहाज से अहम है कि नौसेना को इन हल्के लड़ाकू विमानों को हासिल करने के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना होगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वायुसेना के साथ ही नौसेना के लिए इनका निर्माण कर रहा है। विक्रांत के जरिए भारत ने 40,000 टन श्रेणी के ऊपर के विमान वाहन पोत बनाने में सक्षम राष्ट्रों के एक विशिष्ट समूह में अपनी जगह बना ली। दरअसल एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर को लैंड कराना बड़ी चुनौती होती है। विमान को 90 मीटर के दायरे में रोकना होता है। इस दौरान फाइटर जेट की स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटा से शून्य पर आ जाती है। इसमें महज 2 से 3 सेकंड लगते हैं। तेजस के नेवल वेरिएंट ने दिसंबर 2014 को आईएनएस हंसा से पहली बार उड़ान भरी थी। भारतीय नौसेना ने ट्वीट करते हुए इसे मील का पत्थर बताया है। उन्होंने लिखा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। नौसेना के पायलटों ने एलसीए की लैंडिंग आईएनएस विक्रांत पर की। ये स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ स्वदेशी विमान वाहक को डिजाइन, विकसित, निर्माण और संचालित करने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। जुलाई 2020 में आईएनएस विक्रमादित्य पर तेजस की पहली लैंडिंग कराई गई थी। ये दिन रात लैंडिंग करने में सक्षम है। मालूम हो कि आईएनएस विक्रांत के लिए नेवी राफेल एम की खरीदारी कर सकती है। वहीं तेजस के इस नए वेरिएंट के जरिए भारतीय नेवी को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तीसरा फाइटर जेट मिल जाएगा। एयरफोर्स की तरह ही नेवी के पास भी अलग अलग तरह के नेवल फाइटर जेट की फ्लीट होगी। एयरक्राफ्ट की जरूरतों को देखते हुए तेजस के मरीन वेरिएंट में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। फिलहाल इसके 2 प्लेन तैयार किए गए हैं, एक सिंगल सीटर और दूसरा डबल सीटर। ये ट्रायल सफल रहे हैं और ऐसे में प्रबल संभावना है कि नेवी तीसरे फाइटर जेट के रूप में तेजस के लिए ऑर्डर दे सकती है। एक और बात जो तेजस को एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनाती के लिए मुफीद बनाती है, वो है इसका छोटा आकार। ये 13.2 मीटर लंबा, 8.2 मीटर चौड़ा है। वहीं राफेल एम 15.30 मीटर लंबा और 10.90 मीटर चौड़ा है। वहीं आईएनएस विक्रांत की बात करें तो ये 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और इसकी ऊंचाई 59 मीटर है। वाहक में 2,300 से अधिक कंपार्टमेंट हैं, जो लगभग 1,700 लोगों के चालक दल के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें महिला अधिकारियों को समायोजित करने के लिए विशेष कैबिन भी शामिल है। आईएनएस विक्रांत की अधिकतम स्पीड लगभग 28 समुद्री मील है और लगभग 7,500 समुद्री मील की सहन शक्ति के साथ 18 समुद्री मील की क्रूजिंग स्पीड है। आईएनएस विक्रांत का निर्माण साल 2009 में शुरू हुआ था। इसे पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेवा में शामिल किया गया था। आईएनएस विक्रांत को शामिल करने के साथ नौसेना के पास सालों में पहली बार अपने बेड़े में 2 वाहक हैं, लेकिन दोनों युद्धपोतों को चालू रखने के लिए पर्याप्त लड़ाकू विमान नहीं है। बता दें कि आईएनएस विक्रांत 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है और इसका वजन 45,000 टन है। इसे पिछले साल सितंबर में नेवी में कमीशन किया गया था। ये मिग 29 के लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर सहित 30 विमान ले जा सकता है। आईएनएस विक्रांत का नाम इसके पूर्ववर्ती नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपके लिए स्टोरी को तैयार किया है हमारे साथी मंचकार रमन ने। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें।